Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your boy Arshad Saeed and you're watching Arshad Vlogs. तो जैसे आपने मेरे थंबनेल और टाइटल दोनों में देखा कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ मतलब मैंने क्या कर लिया है ऑलरेडी घर में, तो ये जो मैंने चीज़ किया है, ये करने में क्या प्रोसेस लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, किन किन लोगों का हेल्प लेना पड़ा और मतलब कैसे ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाया, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको तो पता है भाई एवी के साथ जो भी होता है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आज सबसे पहले डे वन में हमें क्या करना पड़ता है, डे वन में इमेजिनरी विजन करना पड़ता है, मतलब एक इमेजिन करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे चीज़ बनेगा, मतलब अपनी मन में एक ड्राइंग मैंने बनाया कि भाई ऐसा होना चाहिए इस जगह में, तो उसके हिसाब से मैंने हमारे यहाँ पे जो ग्रिल व्हील बनाते हैं उनको बुलाया, तो उसको बुला के मैंने मेजरमेंट लिया क्या क्या सामान चाहिए, कोटेशन लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5x1 मेजरमेंट का जो स्क्वायर पाइप है वो मैंने 9 पीस मंगाया, क्योंकि 9 पीस से मेरा जो क्राइटेरिया है फुलफिल हो रहा है, और केज नेट भी मंगाया क्योंकि यहाँ पे केज बन रहा है तो चिड़िया को ऑफकोर्स हम लोग बिना केज का रख नहीं पाएंगे, तो केज नेट मैंने मंगाया इसके लिए ताकि चिड़िया सेफ रहे। डे वन में स्ट्रक्चर लगाने के लिए सामान मंगाया, डे टू में क्या होगा, हमारा जो एक्सपर्ट है मानिक शेख वो अपने 2 हेल्पर को लेके घर आते हैं, जो रिक्वायरमेंट वो देते हैं सबसे पहले वो नाप लेते हैं जगह का, मतलब कितने डिस्टेंस में एक एक खंभा बैठना चाहिए, मतलब पिलर जो है कितने डिस्टेंस में बैठना चाहिए नेट के हिसाब से और फिर मेजरमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट के साथ ही बन रहा है। तो आप देख सकते हो वो लोग सबसे पहले जहाँ जहाँ मेजरमेंट लेते हैं कहाँ उस पाइप को गाड़ा जाएगा, तो वहाँ पे वो लोग सबसे पहले अपने जितने हेल्पर हैं उनको बोलते हैं खोदना स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग खोदना स्टार्ट करते हैं, वो रॉड काटना स्टार्ट करता है, उसके बाद जो कटिंग किए हुए रॉड है उनको काट कर बिठाया जाता है, और जो सीमेंट और पत्थर के चिप्स रहते हैं उनको मिला के उसको एक फाउंडेशन दिया जाता है उसको, ताकि ये मजबूत बना रहे और बहुत ही ज़्यादा मतलब रिजिड हो जाए चीज़। गाड़ने के बाद अभी क्या आता है, वेल्डिंग मशीन वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है इस केज में, क्योंकि इसको हमने चाहा कि पॉइंट टू पॉइंट बने और कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। वेल्डिंग करने से क्या होता है, वो जो जगह है ना एक पाइप दूसरे पाइप से बिल्कुल मतलब ऐसा कनेक्टेड, मतलब बिल्कुल कनेक्टेड हो जाता है, जैसा ऐसे लगता है कि ये पहले से ही कनेक्टेड था, और मजबूती तो भाई क्या ही बोलूँ आपको, आप वीडियो में देख सकते हो। तो बेसिकली डे टू में यही होता है कि अपना जो ढांचा रहता है ना, जो केज का एक फाउंडेशन, केज का एक स्ट्रक्चर वो पकड़ लेता है। डे टू में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारे एक्सपर्ट और अपने 2 हेल्पर आते हैं, खुद उद के फाउंडेशन देते हैं जगह को, और जो अपना ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है अपने केज का, वो तैयार हो जाता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ डे थ्री में मैंने क्या किया। डे वन में सबसे पहले मैंने चीज़ें मंगाई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डे टू में एक्सपर्ट और 2 हेल्पर आए इसको बनाने में, और अभी डे थ्री में था हमारा काफ़ी एक चैलेंजिंग काम जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो डे थ्री में हुआ बहुत ही एक मेजर इम्प्रूवमेंट, या फिर मेजर अपग्रेडेशन भी आप बोल सकते हो, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज इन द प्लान। मतलब डे थ्री में क्या हुआ, मेरे मन में ये ज़रूर था कि मैं एक एवियरी बनाऊँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं था कि एक एवियरी के अंदर एक लाइव वाटरफॉल बनाऊँ। मैंने यूट्यूब में कोई कहीं से एक वीडियो देखा DIY, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो मैंने अपने एवियरी को 2 हिस्सों में बांटा, राइट और लेफ्ट। उसके बाद मैंने सोचा कि लेफ्ट साइड पे अगर मैं एक वाटरफॉल टाइप बनाता हूँ, लाइव वाटरफॉल, तो ये देखने में भी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और साथ में चिड़ियों के लिए भी, जो बर्ड्स हैं मेरे उनके लिए भी बहुत ही एक मतलब अलग ही चीज़ रहेगा ना, कि एक उनको थोड़ा नेचुरल टाइप का फीलिंग आएगा। तो हाँ, मैंने सोचा कि क्यों ना एक वाटरफॉल दिया जाए। मटेरियल्स मेरे घर में ऑलरेडी था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था हमारे घर में, जैसे ब्रिक, टूटा फूटा ब्रिक चाहिए, उसके बाद सीमेंट और जो पत्थर का जो चिप्स रहता है वो चाहिए रहता है, बस दैट्स इट। वो मिस्त्री आया, हेड मिस्त्री अपने एक हेल्पर के साथ आया, उसने खोदना स्टार्ट किया, मैंने उसको लोकेशन दिखाया, साइज दिखाया, तो उसने खोदना स्टार्ट करके उसने काम स्टार्ट किया। जो अभी जो क्या करना था, वो जो फाउंडेशन दिए गए थे तो उनके बीच में सपोर्ट देना था, तो सपोर्ट देके फिर से वेल्डिंग किया गया वॉल के साथ, पूरा पॉइंट टू पॉइंट उसको लगाया गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एवियरी का दरवाज़ा, वो तय करना था। तो दरवाज़ा तय करने में हमें मिल गया था एक पेड़, जो हमने पिछले दिन उठा दिया था, मतलब मैंगो ट्री है, उसको रिप्लांट करके दूसरे जगह में लगवा दिया था। तो डे थ्री में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा लाइव वाटरफॉल,
उसके बाद होता है अपना दरवाज़ा, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा जो ओपन एवियरी का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो पूरा जो ओपन एवियरी का स्ट्रक्चर है, दरवाज़ा और सब लग के तैयार हो जाता है, दरवाज़ा का हैंडल लॉक वगैरह सब तैयार हो जाता है। अभी है डे थ्री के बाद ये जो जितने भी आयरन रॉड है, जितने भी ये सब पाइप है, ये सब रस्टिंग से, रस्ट लगे हुए पूरा भरे हुए रस्ट से, अगले दिन तो बस मैं कलर वाला करवाना है, उसके बाद सिर्फ नेट चढ़वाना है। तो डे थ्री का काम हो गया, इतना काम मतलब एक ही दिन में मेरा जो लाइव वाटरफॉल का जो टब का जो शेप है वो तैयार हो गया, आप देख सकते हो। उसके बाद अगले दिन आप इसको ऐसे सीमेंट टाइप का नहीं रख सकते ऑफकोर्स, तो इसमें टाइल्स लगाना पड़ेगा। टाइल्स भी हमारे घर में था लकीली, लेकिन अफसोस वो टाइल्स मैं यूज़ नहीं कर पाया, मुझे मार्केट से मंगाना पड़ा। तो हाँ, अभी चलते हैं डे फोर में। अभी मैं आपको बताता हूँ फोर्थ डे में हमने क्या क्या किया है इस ओपन एवियरी में। और अगर ये वीडियो अभी तक देख के आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, क्योंकि आपका भाई मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, जल्दी से करो। और तब तक हम लोग चलते हैं डे फोर में। तो अभी हम लोग आ जाते हैं डे फोर में। जैसे आपने देखा कि जो लाइव वाटरफॉल का जो टब है उसका जो बॉडी टाइप है वो रेडी हो चुका है, और जो स्ट्रक्चर है मेरे जो ओपन एवियरी का स्ट्रक्चर वो भी तैयार हो चुका है। तो अभी क्या ठहर गया, अभी सिर्फ इसमें टाइल्स लगना बाकी था, वाटरफॉल का जो फॉल का जो स्पॉट है ना जहाँ से पानी गिरेगा वो लगाना बाकी था। वो ढूंढना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क था, एक बहुत ही बड़े रॉड को काट के फिर वेल्डिंग करके उस पर पेंट चढ़ा के, मतलब मत ही बोलो यार, मत ही बोलो। डे फोर में बेसिकली यही हुआ, पेंट का काम हुआ, जितने भी पाइप थे यहाँ पे ये सब, इन सब पाइप में रस्टिंग वस्टिंग जम जाता है, तो मैंने क्या किया इन सब पाइपों में पेंट चढ़वाना स्टार्ट कर दिया। टाइल मिस्त्री है अलग से, वो आया, उस बंदे ने टाइल काट के आराम से, मैंने उसको डायमीटर पैरामीटर और मेजरमेंट जो है कैसे मुझे चाहिए, मतलब टब कैसा चाहिए, सब कुछ मैंने उसको दिखा दिया। और वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, तो वो एक ही बार में समझ गया और उसने काम स्टार्ट कर दिया। तो अभी हो गया पेंट वर्क डन और ये टब डन, टब रेडी हो गया। उसके बाद जो है जो फाइनल काम, जैसे ही इन दोनों ने ख़त्म किया तो हाफ टाइम के बाद हमने स्टार्ट कर दिया नेट चढ़वा, नेट लगाना, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम था। नेट चढ़ाने के बाद ऑलमोस्ट हमारा केज रेडी हो चुका था, लेकिन हमारा सफ़र यहाँ तक नहीं रुकेगा। जब हमने नेट लगाया तब हमें याद आया कि नहीं, अभी तो इसके अंदर का ब्यूटिफिकेशन अभी तक बाकी है, क्योंकि मुझे एक ऐसा वैसा ओपन एवियरी नहीं चाहिए था, मुझे प्रॉपर अच्छा सा व्यू पॉइंट वाला एवियरी चाहिए था, जो मतलब वन एंड ओनली हो। तो वन एंड ओनली बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ इसके अंदर किया, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी में एक डेड ट्री था, तो मैंने क्या किया, ट्री का जो ब्रांचेस था उसको मैंने काट के साइज करके घर लाया, घर लाके उसको मैंने पेंट चढ़वाया, पेंट चढ़वा के मैंने उसको अंदर डलवाया। उसके बाद मुझे चाहिए था काफ़ी बड़े बड़े पत्थर, पत्थर से क्या करूँ, क्योंकि मुझे अंदर एक रॉक थीम देना था, रॉक गार्डन जैसा रहता ना, तो रॉक थीम देना था, रॉक थीम। तो पत्थर ढूंढने के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो जब सैंड ग्रेवल आते तो उसके साथ पत्थर फ्री में मिल जाते, मतलब तो वो मुझे मिल गया था। तो उसमें मैंने क्या किया, थोड़ा अच्छे से रॉक गार्डन टाइप वो दिया, और ऊपर जो है ना, जो जैसे एक्वेरियम में रहते हैं ऊपर पत्थर, तो मुझे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था कि जो एवियरी है उसके ऊपर मतलब नॉर्मल जैसे मतलब प्लेन मिट्टी रहे, मुझे लगा था एक्वेरियम की तरह उसके ऊपर पत्थर का जो चिप्स रहता है उससे एक टॉपिंग दूँ, तो ये मैंने दिया जैसे आप देख पा रहे हो। उसके बाद आप देख सकते हो जो रॉक है मैंने उसको गाड़ के कितने अच्छे से रॉक गार्डन बनाया। और एक चीज़ आप देख सकते हो, जब ये बर्ड्स मैच्योर हो जाएंगे, ब्रीडिंग का टाइम आएगा, उनके लिए एक प्रॉपर अंडे देने का जगह चाहिए रहता है, तो ये रहा वो अंडा देने का जगह जिसको मैंने पहले से कलर वलर चढ़वा दिया था। तो आप देख सकते हो डे फोर में कितना सारा काम हो चुका था। तो अभी इतना सब कुछ तैयार हो चुका है कि बहुत खर्चा भी हो चुचुका है, अभी फाइनल काम क्या था आप भी गेस करो, चिड़िया लाना। तो अभी मैं दिखाता हूँ मैं कैसे बर्ड्स जाके लाता हूँ और इस केज में डालता हूँ। लास्ट स्टेज है बर्ड्स को आज़ाद करना मेरे इस ओपन एवियरी में। इतना खूबसूरत जो एवियरी बना है उसमें चिड़िया को छोड़ना, तो इतना सारा चिड़िया एक साथ मुझे चाहिए था, बहुत ही पकड़ लो 20 पेयर, तो इतना सारा चिड़िया एक साथ अवेलेबल नहीं था हो जाए में, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा था और सबके पास स्टॉक नहीं था, तो मुझे प्री ऑर्डर करना पड़ा हमारे होजाई के एक लोकल स्टोर पेट्स पैराडाइज में। मैं वहाँ पे गया, प्री ऑर्डर कर रखा था, तो भाई ने बोला कि भाई मेरा चिड़िया आ चुका है। जैसे ही चिड़िया आया मैं वहाँ पे गया, और ये देख सकते हो आप अब्दुल रहमान भाई का पेट्स पैराडाइज देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे चीज़ें हैं। तो हाँ, सब चीज़ें देखने के बाद मैं गया अपने ऑर्डर के पास, एक एक करके मैंने चिड़िया निकाला, और उसके बाद मैं इस चिड़िया को खुशी खुशी अपने घर पे ले आया।
तो जैसे ही मैं अपने घर के अंदर ले आया, मेरा खुशियाँ डबल हो चुका था, क्योंकि जो मेरा एक सपना था अपने घर के सामने एक व्यू पॉइंट बनाओ, जो मैंने इमेजिनरी मतलब जो मैंने इमेजिन किया बेसिकली, वो आज कंप्लीट होने जा रहा है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने जो बर्ड्स है अपने घर पर रिलीज़ किया अपने ओपन एवियरी के अंदर, और रिलीज़ करने के बाद जो छोटे छोटे बर्ड्स के जो आवाज़ रहते हैं एक साथ, तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि भाई मुझे भी बहुत ही सही लगता है बर्ड चिरप्स। तो मैंने बर्ड्स को रिलीज़ किया, और रिलीज़ करके जो व्यू मुझे मिला ना यार, वो नेक्स्ट लेवल था और वर्दी था। तो अभी तक यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं मेरे घर में, इस जगह में एक बार ज़रूर आते हैं, विजिट करके जाते हैं। और ये जो आप देख सकते हो कुछ सीन जो मैं अपने बर्ड्स को ट्रेन कर रहा हूँ, आप लोग बताना कि आपको कैसे लगा। मैं खुद जाता हूँ इनको फीड करने, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सीन जो मैं अपने पैरट को फीड कर रहा हूँ। मेरे ओपन एवियरी में है अभी फ़िलहाल एक पेयर पैरट और 20 पेयर बजेस। तो छोटे छोटे जो कलरफुल बर्ड्स है इनको बजेस कहते हैं, और ये पैरट है इंडियन मुस्टैच पैराकिट। अभी के लिए मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। होप यू विल एंजॉयड माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस। अर्शद ब्लॉग साइनिंग ऑफ। बाय बाय। ये रहा मेरा एवियरी, बिल्कुल तैयार है। यू गाइस कैन हैव ए लुक। ऊपर में टीन ताकि ज़्यादा धूप ना पड़े उनके ब्रीडिंग पॉट पे। फिर नीचे देख सकते हो रॉक गार्डन, उसके बाद जो पेड़ के एक ब्रांच, फिर देख सकते हो फाउंटेन, और फिर देख सकते हो ये मेरे लवली।